गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। तो आज है 11 जून 2023। 11 जून 2023 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बने होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है जो पेपर के माध्यम से आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर देंगे। और हमारी ये आप लोगों से विनती रहेगी कि आप लोग इसी तरीके से कम समय में करंट अफेयर आप देखना चाहते हैं तो हमारे साथ नित्य प्रतिदिन जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी 12 बजे के बाद में। तो वहां से आप लोग उसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग सुपर फास्ट रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 7 जून को, 8 जून को, या फिर 9 जून को, या फिर 10 जून को। तो विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 9 जून को। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस के रूप में मनाया गया है। देख लेते हैं, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया है, 6 जून को रूसी भाषा दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 जून को विश्व महासागर के दिवस के रूप में मनाया गया है और 9 जून तो विश्व मान्यता दिवस के रूप में मनाया आज गया है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये उड़ीसा में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खड्डा जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। मनोज सिन्हा ने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है। एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में पेड़ की नई प्रजाति की खोज की हुई है और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश किबुथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन हाल ही में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य में फसल बीमा प्रीमियर में 100% सब्सिडी का विस्तार किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर राजस्थान है, या फिर मेघालय। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, 4, मेघालय। मेघालय राज्य में फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया गया है। कहाँ? तो मेघालय। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की हुई है और पुष्प उत्सव लानमू लद्दाख और कारगिल दोनों में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? तो ये बी अनंत रमण हैं। ये क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैरकारी अध्यक्ष और निदेशक बने हुए हैं। तो ये हैं बी अनंत रमण जी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कोनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कोनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये संजय स्वरूप बने हैं। कौन हैं? संजय स्वरूप कोनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हुए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फारूक मेहता का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फारूक मेहता एक अभिनेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये हैं फारूक मेहता, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये एक अभिनेता थे। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डेक्रू का हाल ही में निधन हुआ है? तो ये केरल राज्य के थे, अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बी डेक्रू, इनका हाल ही में निधन हो गया है।
अगला प्रश्न हमारा है, हार्वर्ड के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CFO कौन नामित हुई हैं? तो हार्वर्ड के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CFO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है ऋतु कालरा को। ऋतु कालरा को हार्वर्ड के वित्त विभाग के उपाध्यक्ष और CFO के रूप में नामित किया गया है। CFO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो यह भारत में, इंडोनेशिया में, USA में या फिर कनाडा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, भारत। भारत में 27 साल के बाद मिस वर्ल्ड 2023 का किया जाएगा दिसंबर माह में। कब? दिसंबर माह में किया जाएगा। मिस वर्ल्ड 2023 मिस वर्ल्ड पेजेंट का 71वां संस्करण होगा, जो दिसंबर 2023 को भारत में आयोजित किया जाएगा, जो भारत में फाइनल के दूसरे संस्करण को चिन्हित करेगा। कार्यक्रम के अंत में पोलैंड की करोलिना बिलावस्का अपने उत्तराधिकारी को ताज पहनाएंगी। तो ये चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन पर अभियोग लगाया गया है। अगला है, सबसे अधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये भारत शीर्ष स्थान पर रहा है डिजिटल भुगतान के मामले में। दूसरे स्थान पर जापान है और तीसरे स्थान पर चीन है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है भारत। भारत ने कुल टोटल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। शीर्ष तालिका में प्रथम स्थान पर भारत रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में प्रबंधन के लिए यूनेस्को ने मिशेल बैंटिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है जगदीश बाकन। जगदीश बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में प्रबंधन के लिए यूनेस्को के मिशेल बैंटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो जगदीश बाकन को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, लेखक पैटरसन जोसेफ ने RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 जीता हुआ है? तो ये हैं आर जोसेफ पैटरसन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला जज ने उड़ान पायलट संख्या 1-30-25 में कोंजी कोड से सऊदी अरब के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी हुई है। तो ये हैं भारत की पहली महिला जज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 5 देशों को UNSC के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। तो कौन है? तो ये हैं अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? US, चाइना, UK, रसिया और फ्रांस। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो इसमें देख लीजिए, अफ्रीका, एशिया, लिथुआनिया, अमेरिका एंड कैलिफोर्निया, बेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंपनी हैं, कंट्री हैं, चाइना, फ्रांस, रसिया, UK और ये USA। ये कौन सी हैं? तो ये हैं सभी परमानेंट मेंबर हो जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान बना देश का ऐसा पहला राज्य जिसने प्राइवेट वर्चुअल स्कूलों को दी है मान्यता। वर्ष 2023 में बिरसा मुंडा की 127वीं जयंती पुण्यतिथि मनाई गई। होमो नेलेदी ने 3 लाख साल पहले गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का किया था निर्माण। होमो नेलेदी। तो आज का सेशन हमारा यह समाप्त होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और आप लोग इस सेशन को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सेशन आप लोगों को किस तरीके से और कितना प्रभावशाली आप लोगों के पास पहुंच रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।